तो देखो आज का टॉपिक है हमारा स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड। ठीक है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन मेथड ये क्या होता है? ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है उस कंडीशन में जब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, जहाँ पर आपको सिमेट्री ना मिले और सर्किट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो यहाँ पर ये लॉजिक हम लोग लगा के बहुत ईजी तरीके से स्टार डेल्टा मेथड से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक्चुअल में हमें क्या क्या करना है, इस टर्म्स को आप बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक टर्म्स लिया, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्म बना हुआ है, देखो इस तरह से, ये फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं स्टार। अगर ऐसा है नेटवर्क, ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट्स हुआ, ये जंक्शन का पॉइंट हुआ जिसको मैंने बोला है नोड भी कहते हैं, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, दिस विकम आर वन, दिस विकम आर टू और दिस विकम आर थ्री, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और इसको अगर मुझे डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा ऐसा होता है, देखो इसको हम डेल्टा कहेंगे। ठीक है, क्लियर आ रही है बात समझ में? अब यहां देखो ये फॉर्म क्या हो गया मेरे पास, डेल्टा, और ये फॉर्म क्या है, स्टार। तो स्टार टू डेल्टा में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हमें कुछ फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ता है। एक्चुअल में देखो स्टार टू डेल्टा जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो फॉर्मूला जो मैं अभी लिखूंगा जो तुमको याद रखना है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, अगर ये नहीं याद है तो फिर वो सिमेट्री मेथड्स या रिडक्शन मेथड्स के थ्रू ही आपको बढ़ना पड़ेगा। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली हायर मैट्राइसेस जो मैथ्स में पढ़ते हो वो हायर मैट्राइसेस होता है बीटेक्स में, उस बेसिस पे ये निकाला गया। ठीक है, तो उस मैथमेटिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको जो रिजल्ट्स है उस हायर मैथमेटिक्स को, जो इक्वेशन सॉल्व करके जो रिजल्ट आया गया वो रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर ऐसा है तो इसमें तुम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इस टर्म्स को समझना। इसमें आपको क्या करना है कि इस जगह ये जो दिख रहा है तुमको, इसको मैंने क्या बोला स्टार, तो स्टार को क्या करोगे, सबसे पहले डेल्टा में कन्वर्ट करोगे, मतलब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, देखो ये पॉइंट्स जो है, ओके, ये जो पॉइंट्स है इस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मीट करा देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ एक रेसिस्टेंस बना के यहाँ मीट करा दो, ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस बना के इस जगह मीट करा दो, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना के इस जगह मीट करा दो। ठीक है, अब यहाँ देखो जैसे ये आर टू आर वन है, तो आर टू आर वन के बीच में ये वाला जो रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जो ग्रीन वाला, ये जो रेसिस्टेंस है, इसको आर टू आर वन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जेड थ्री। ठीक है, तो ये देखो ये जो डेल्टा मैंने बनाया, ये अब बाहर वाला, ये डेल्टा जैसा सेफ हो गया ना, तो ये वाला रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, जेड थ्री। इज इट क्लियर? उसी तरह आप ध्यान दो, ये जो R1 और R3 है तो इसके बीच ये जो रेसिस्टेंस होगा, तो R1 R3 है तो ये क्या हो जाएगा, Z2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, Z2। इज इट क्लियर? और R2 R3 है तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z1, तो दिस बिकम अ Z1। तो यहां से क्या हो रहा है, स्टार से हमने डेल्टा में फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है बेटा ये आपको ध्यान ऑलवेज रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि Z3 अगर हमें लिखना है तो Z3 इज इक्वल टू, ठीक है, Z3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाय, ठीक है, होल का डिवाइड क्या है, ये Z3 है ना, तो इक्विवेलेंट यहां पे क्या लिख लेंगे हम लोग, R3। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, ये नहीं बोलना। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास हमें Z2 निकालना है तो Z2 निकालने के लिए क्या करेंगे, एज इट इज R1 R2 सिमेट्री से लिख सकते हैं, R2 R3 R3 R1 और टोटल का डिवाइड बाई हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, R2। इज इट क्लियर? अब उसी तरह अगर हमें Z1 निकालना है तो Z1 निकालने के लिए भी हम वैसे ही सिमेट्री से लिखेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड बाई, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा जब हम क्या कर रहे हैं, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं। कहीं दिक्कत नहीं इतनी दारे को समझने में? देखो अब इसमें क्या है, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला तो ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया ये हायर मैट्राइसेस की चीज है, बट ये बहुत हेल्पफुल होता है आपको जेई के क्वेश्चन में, बट जेई के मेन्स वाले क्वेश्चन में, एडवांस में ऐसा कुछ देने वाले नहीं है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो क्योंकि उनको भी पता है कि
ये बहुत इजी हो जाता है इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ठीक है। अब यहां देखो, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, हम जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टू स्टार। हम डेल्टा टू स्टार कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे सपोज करो आपके पास डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा मैंने कैसे बताया था, इस तरह से होता है, ये डेल्टा है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोज करो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। तो अगर इसको स्टार में कन्वर्ट करना है तो स्टार इस तरह से, ये कन्वर्जन हो जाएगा स्टार का, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ ध्यान से समझो कि जब तुमको इस डेल्टा को स्टार में लाना है तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऐसे समझ लो, मैं इसी में कर देता हूँ। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे, ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, ओके। अब यहां भी वही फंडा आपको यूज करना है कि जैसे ये R3 R1 है, देखो ये R1 है ये R3 है, तो R3 R1 के बीच ये वाला जो सेक्शन होगा वो क्या होगा, Z2, ठीक है। मतलब ये क्या लिखेंगे हम लोग, Z2, ठीक है। अब ये R1 और R2 के बीच ये वाला जो है इसको क्या लिखोगे आप लोग, इसको लिखेंगे हम लोग Z3। तो ये क्या हो जाएगा, Z3, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, R2 R3 में ये जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, R3, देखो R3 R1 में ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1। तो ये क्या हो गया मेरे पास, Z1। आई बात समझ में आपको। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करते वक्त हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो आप क्या ध्यान रखोगे, जैसे अगर मान लो मुझे Z2 लिखना है तो Z2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, R1, देखो ये Z2 लिखना है ना हमको, तो क्या लिखेंगे R1 R3 और डिवाइड बाई समेशन ऑफ होल रेसिस्टेंस, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। उसी तरह अगर तुमको Z1 लिखना है तो क्या लिखोगे, R2 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। उसी तरह अगर आपको Z3 लिखना है तो क्या लिखोगे, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं थी बात समझने में। अब देखो जैसे सपोज करो कि मुझे कोई सम्स चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बुक्स में एक सम्स आपको बताता हूँ कि जैसे सपोज करो मेरे पास कोई सम है, ठीक है, और वो सम्स ऐसा है, ठीक है। वो सम्स ऐसे सपोज कर लो, देखो मैं बताऊँ, ध्यान से समझना, और ये इसमें देखना, और यहाँ जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ओके, ठीक है। अब देखो इस जगह एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, क्लियर है, आ रही है आपको बात समझ में, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से यहाँ एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ओके, ठीक है, इस जगह एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ऐसा ये सपोज करो, ये बी है और ये ए है, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ तो फिर तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं न्यूमेरिकल वाले सेक्शंस में बहुत सारे सम्स करूंगा जो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो सारे मैं यहाँ करके दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा तुमको स्टार डेल्टा, अगर तुमको यूज करना आता है ये फॉर्मूला, अगर परफेक्ट तुम समझ चुके हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे सपोज करो ये दिया हुआ है 5 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है 1/2 ओम, ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पे 1 ओम, ओके, ये दिया हुआ है मेरे पास 3/5 ओम, और ये दिया हुआ है मेरे पास कितना, 4 ओम। देखो ये दिया हुआ, अब इसका इक्विवेलेंट निकाला, तो तुमको यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे, ए टू बी में अगर इक्विवेलेंट निकाले कहीं से भी सिमेट्री नहीं, ठीक है ना, ये कहीं से सिमेट्री नहीं। अगर ये सिमेट्री नहीं है तो मेरी बात को यहाँ पे समझो कि इस जगह से अगर हम बैटरी कनेक्ट करें यहां से जाएं तो देखो 5 और 4 वाला तुमको दिखेगा, और ये 1 ओम कैसा, एक वर्टिकल टाइप का दिखेगा। मतलब इसको अगर कन्वर्ट कर लो, थोड़ा सा कन्वर्जन जो कि इजी है, ये ए ले लो, ठीक है, और यहां पे अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो इस तरह से तो बना ही सकते हैं इसको, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके ऐसा तो बना ही सकते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये कितना हो गया, देखो ये 5 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया,
ये वर्टिकल वाला 1 ओम हो जाएगा, ये 1/2 ओम हो जाएगा, ये 3/5 ओम हो जाएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं ना। ये अब तुमको देखो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे समझो कि अगर थोड़ा और ब्रेन लगाओ तो ये देखो, यहाँ पे मेरे पॉइंट्स पे ध्यान देना डा, ये वाला देखो यहाँ ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये अगर तीनों को देखोगे तो डेल्टा है ये, ठीक है। अब सेमेट्री था नहीं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते थे कि पाथ सेमेट्री में हम बेसिकली उसको इक्यू कैसे कर ले, पैरेलल एक्सिस थियरम या परपेंडिकुलर एक्सिस लगा के हम करें, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। तो देखो ये जो तीन पॉइंट बनाए, ये तीन पॉइंट तुमको एक डेल्टा की तरह दिख रहा है, तो डेल्टा को हम क्या करेंगे इस तरह से स्टार में बदल देंगे। मतलब ये एक रेसिस्टेंस लगा लो, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा लो और इस जगह एक रेसिस्टेंस निकालो इस तरह से। अब यहाँ से क्या होगा कि इसका जो फॉर्मेट देखोगे, अब यहाँ से तुम फॉर्मूला बना सकते हो जो मैंने तुमको सिखाया है कि ये 5 ओम, 1 ओम, 4 ओम और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, देखो ये 4 ओम है और ये 1 ओम, ऐसा है ना। ये जो डेल्टा है तो डेल्टा से स्टार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो देखो मैंने तुमको यहाँ पे बताया है, ध्यान से देखो। ये देखो ये है ना, ये डेल्टा था ना, ये डेल्टा है ना, तो डेल्टा से स्टार में हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डेल्टा से स्टार में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। यहाँ देखो ऐसा हो गया। अब यहाँ से ये बहुत आसान हो जाएगा, 5 और ये क्या है 1 ओम, इसके बीच में हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको R1 मानो, इसको R2 मानो, तो ये आराम से R1 और R2 है, तो ये क्या हो जाएगा Z3, तो ये Z3 लिख सकते हो, 5 और 4 ओम के बीच लिख सकते हो, फॉर्मूला यूज करोगे 4 और 1 ओम के बीच इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज करके इसको बना सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर ऐसा कर लिए तो ये कन्वर्ट होकर कैसा बन जाएगा, देख रहा। अब ये वाला रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो यहाँ से ए पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ देखो एक रेसिस्टेंस ये मिला मेरे को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाला जो है, ये पॉइंट यहाँ देखो, ये वाला रेसिस्टेंस इससे कन्वर्ट होता हुआ कैसा जा रहा है, ये ऐसा बन गया, यहाँ से ये ऐसा बन गया। अब ये देखो कितना ईजी हो गया, ये बन गया और ये बन गया और ये ऐसा बी हो गया। अब यहाँ से देखो ये वाला जो है, मतलब ये जो पार्ट है तुम्हारा, अगर इसको R1 R2 माने हो तो ये क्या हो जाएगा, R1 है R2 है, तो ये Z3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं, तो ड्यू टू द फॉर्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं तुमको बस इतना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये Z1, मैं इसको Z1 मान के क्या लिखूँ, 2 ओम लिखूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन दोनों के बीच में ये जो रेसिस्टेंस निकालोगे, ये रेसिस्टेंस की वैल्यू भी आप निकालोगे तो ये भी आपको ईजी निकल जाएगा, ठीक है ना, ये भी आराम से निकाल सकते हो। ये तुमको क्या मिलेगा, मैं कैलकुलेट करके बैठा हूँ तो मुझे ध्यान है ये 0.5 ओम मिलेगा, ठीक है, और ये Z2 हो जाएगा, और ये Z3 अगर तुम देखोगे तो Z3 तुमको क्या मिल जाएगा, 0.4 ओम मिल जाएगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना अगर मेरा कोई मिस्टेक्स हुआ तो। और ये तो हमको पता है कि 0.5 ओम है, यहाँ 1/2 दिया हुआ है, और ये 3/5 है, तो ये 0.6 ओम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से तुमको एकदम इजी पता है कि ये Z1 है यहाँ पे, तो इन दोनों में देखो इसको यहाँ से कन्वर्ट करना है, तो ये ऑब्वियसली ऊपर वाला ये जो दोनों सेक्शन है ये सीरीज हो जाएगा, ये सीरीज होगा, फिर पैरेलल कर दोगे, फिर तीनों सीरीज हो जाएगा और यहाँ से तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स एक मैथड तुमको समझ में आया, ठीक है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करके तुमको बता देता हूँ कैसे इसको कवर करना है, ठीक है। मैं इतने पार्ट में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर सकते हो। अब देखो सपोज करो, नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो, अगर सपोज करो इस तरह से स्क्वायर में दिया हुआ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्वायर में हो तो कैसे यूज करें, तो देखो मैं ये भी तुमको क्लियर कर देता हूँ। अगर सपोज करो इस तरह से स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो ये 1 ओम है, ठीक है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है, और ये 2 ओम। एक चीज याद रखना कि एक बार जो रेसिस्टेंस यूज कर लिया उसको दूसरे डेल्टा या स्टार में यूज नहीं कर सकते, एक ही बार कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक ही बार कन्वर्जन करने का मीनिंग ये है कि जैसे देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, तो ये जो स्क्वायर तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये भी डेल्टा है, इसको स्टार बना सकते हैं कैसे, देखो अगर मैंने यहां से मीट करा के इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, ठीक है, क्लियर है, और इसको इधर कर लिया, तो भी ये बन जाएगा। अब देखो ये 1 और 3 के बीच, ठीक है ना, 1 और 3 के बीच का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, 1 और 2 के बीच यहाँ रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, 3 और 2 के बीच यहाँ रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सपोज करो ये ए है और ये बी है, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुमको इस तरह से बनेगा। देखो ये सॉल्व किया, ये रेसिस्टेंस जो है वो आ गया 1/2 ओम, फिर यहाँ देखो फिर ये रेसिस्टेंस बनेगा, फिर ये रेसिस्टेंस बनेगा, और ये तो पहले ही से पता है तुमको 4 ओम है और ये 5 ओम है। अब ये बी हो गया। अब ये कितना ईजी हो गया कि देखो ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये हमने कैलकुलेट किया 1/2 है, ये आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूले से तो ये 1/3 आएगा और ये
1 ओम आएगा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए आसान हो गया कि 1 बाई 3 और 4 ओम क्या हो गया सीरीज में, 1 ओम और 5 ओम क्या हो गया सीरीज में, फिर ये दोनों को पैरेलल करके 1 बाई 2 ओम के साथ क्या कर लोगे, इसको सीरीज कर लोगे तो आंसर निकल गए। तो ये तरीका होता है स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार सॉल्व करने का, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं है इसमें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर देता हूँ, कहीं इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं ये भी बताता हूँ। अगर मान लो तीन तीन स्क्वायर हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। और ये वाले क्वेश्चन में तो बता दो, अगर इसका आंसर क्वालिफाई करोगे ना तो कुछ 193/74 ओम ऐसा आंसर आ रहा है, तुम कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ऐसा दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ है, ठीक है, इस जगह भी है, मैं इस पर वैल्यूज को कुछ भी आर्बिट्री लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ऐसा दिया हुआ है, मान लो इस तरह का सर्किट है मेरे पास, ये सर्किट है, ये बी है और ये ए है। अब यहाँ पे सोचो, जैसे मान लो ये आर्बिट्री, ये 2 ओम हो गया, ये मान लिया मैंने 1 ओम लिखा हुआ है, ये भी 1 ओम मैं सपोज कर लेता हूँ, ये 6 ओम सपोज कर लेता हूँ, ये 3 ओम सपोज कर लेता हूँ, इसको भी 1 ओम सपोज कर लेता हूँ, इसको 2 ओम सपोज कर लेता हूँ और इसको 3 ओम लिख लेता हूँ। अब ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें भी कहीं कन्फ्यूज नहीं होना, ये भी तुमको इस तरह से ये बन गया तुम्हारा स्टार, और ऑब्वियसली एक ही बार ये, क्योंकि इसमें ये रेसिस्टेंस 1 ओम वाला यूज हो चुका है, तो यहाँ पर स्टार नहीं बना सकते आप, ये थोड़ा ध्यान रखोगे। अब ये थर्ड वाला जो है, तो थर्ड वाले में दिमाग लगा लो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, अब ये सॉल्व कर लो, कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से इन दोनों का जो रेसिस्टेंस आएगा वो ये होगा, फिर ये वाला रेसिस्टेंस ये पैरेलल हो जाए, ये तुमको सीरीज में तीनों दे देगा ये चारों के साथ, और फिर तुम सॉल्व कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्टार डेल्टा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। बहुत क्विकली बताया है, बहुत आसान है ये, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अब इसके बहुत सारे सम्स जो होंगे मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन में स्टार डेल्टा लगा के, ठीक है, कि तुमको कन्फ्यूजन नहीं रहे कि और कैसे होंगे। और एक चीज़ और, करेंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम चल रहे हैं, उसमें अब न्यूमेरिकल सेक्शंस का एक अलग से वीडियोस में डालना शुरू करूंगा, जिसमें तुमको क्या होगा कि जो भी डीसी पांडे या बीएम शर्मा के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता रहूंगा 1 बाय 1, ठीक है। और आप उस बुक्स को कंसिडर करते जाना। मैं क्या करूंगा कि या तो हो सकता है मैं सारे क्वेश्चंस लेक्चर शुरू होने से पहले एक आपको स्क्रीन पर रख दूं, क्योंकि पार्ट में क्वेश्चंस मैं पेस्ट कर रहा हूं, तो हो सकता है कई बार लेटर्स जो मैं लिखता हूं वो आप नहीं आता, वो क्वेश्चन रह जाता, तो मैं क्वेश्चंस नंबर बता दूंगा, क्वेश्चन विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए मैं पेस्ट कर दूंगा, और आप उसे पाउज करके वीडियो का क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इस तरह से तुम देखोगे तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो थियोरेटिकल पोर्शन जो मैंने बताया है, क्योंकि आरसी सर्किट मैं डिस्कस नहीं करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि आप मेरे वीडियोज में देखोगे तो वहाँ आरसी सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 करके आरसी सर्किट के लेक्चर्स, वहाँ पे करीब 10 से 15 लेक्चर्स होंगे जो आरसी सर्किट्स के मैंने दे रखे हैं विद क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस है। तो जिन बच्चों को आरसी सर्किट देखना है तो वहां से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। अगर ऐसा होगा तो इस लेक्चर्स में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से देख लो, क्लियर है। तो आज हम लेक्चर्स यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम